जाते हैं लोग उसको, पहले तो प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, बैंग ओवर, और एक्चुअली भांग ओवर है सब पूरे के। यूएस से है, हाँ सब यूएस से है। हाँ सब यूएस से हैं, हम लोग बस देसी हैं, तो हम लोग उसको भांग ओवर बोलते हैं। और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस शूट के दौरान और प्रमोशंस हो रहे हैं उसके दौरान तो बहुत अच्छा था, तब से लेके अभी तक। शूट हमने अलग अलग जगह किया, पूरा उत्तराखंड ट्रैवल किया, दिल्ली ट्रैवल किया, गुड़गांव ट्रैवल किया, और बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया। तो शूट किया, साथ ही साथ हमने उस पूरे शूट में एन्जॉयमेंट भी बहुत किया है, और होप करते हैं कि आपको भी उतना ही मज़ा आया मूवी देखने में। उसके बारे में टाइटल के बारे में इसलिए तो आपको फोर्स करेंगे हम लोग देखने के लिए कि टाइटल ही अलग है, मूवी तो और अलग होगी। क्लू देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? आपको नेम से थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा, बाकी का क्लू आपको 15 दिसंबर को मिल जाएगा। सर अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, मूवी किस तरह का कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर रवि का है, तो इन पांचों फ्रेंड्स में से एक बंदा है, और सबकी अपनी अलग अलग कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, तो हर एक कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए आपको मूवी तो देखना पड़ेगा। मेरा कैरेक्टर, हाय मेरा नाम आराध्या है और मैं सुदीपा का कैरेक्टर कर रही हूँ फिल्म में। और ये एक पंजाबी लड़की है और मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ। तो ये मज़ा आया मुझे कुछ अलग करके, थोड़ी बहुत पंजाबी तो हल्की फुल्की दिल्ली में आती है आप जब पले बड़े हो वहाँ पे, बट फिर और थोड़ा डिटेलिंग में वर्कशॉप पे जब काम हुआ था, जयदीप सर ने हमारी वर्कशॉप ली थी, तो मज़ा आया बहुत। 1 महीने की, ये लोग तो एंड में आए थे, ये लोग का तो इनने मेहनत नहीं करी, हमने ज़्यादा मेहनत करी, हमने 1-1.5 महीने तक मेहनत करी है, तो मज़ा आया बहुत। और जो बॉन्डिंग वर्कशॉप पे थी, फिर शूट पे थी, एंड तब से इतना लंबा ग्राफ हो गया, हमने फेब में शूट किया था एंड देन इतना टाइम हो गया, तो एक वो बॉन्डिंग हो गई पूरे ग्रुप में, हम मिलते ही रहते हैं और अभी भी एक सफ़र चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके हाय, मेरा नाम प्रेरिका अरोरा, मैं निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और निशा एक बहुत ही, मैं सबको बोल चुकी हूँ, इट्स अ वेरी क्यूट इनोसेंट लड़की जो कि एक गढ़वाली लड़की है, अपने गांव से आती है और नए नए दोस्त बनाती है, और दोस्तों के साथ जो नई बॉन्डिंग बनती है वो सब मूवी में दिखेगी। और उसने फिर उसका एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिखेगा, जिस तरह से एक भोली सी लड़की अगर गलती से भांग पी ले तो क्या हो जाता वो, और एक नॉर्मल सी लड़की वही चीज़ भांग के बाद जब वो हरकतें करेगी तो वो फुल ऑन कॉमेडी दिखेगा मूवी में। और जस्ट यही है, और उसकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग सुदीपा के साथ होती है, और वो उसे फ्रेंड कम बहन ज़्यादा मानती है, तो वो पूरे मूवी में उसको बहन ही बोलती रहेगी। और ये डिफरेंट है, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो मूवी में इस तरह से डिफरेंट दिखेंगी, और कॉमेडी पंचेस, और यशपाल जी हैं, जयदीप अहलावत, हेमंत पांडे जो कि हमारे वार्डन वार्डन हैं, और हम उनको बहुत तंग करते हैं। बस यही सब मस्ती है हमारी मूवी में, जो कि 15 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, और जर्नी ऑफ भांग ओवर, एंड पीपल शुड गो एंड वॉच। सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन, सब कुछ दूर करके देखने ज़रूर जाइए। देख के लगता है अभी अभी हम लोग हमारा सारा खुलासा हो चुका है, और ये चीज़ अगर मेरे पापा मम्मी देख लेंगे तो हाँ मेरी क्लास ज़रूर लगेगी। पर मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर की बात है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ भांग पीने गई, एक्चुअली पार्टी में गए थे, तो हमने वहाँ पे पहली बार देखा कि कोई भांग सर्व कर रहा है, जहाँ पे बहुत क्लासी तरीके से वो लोग बड़े बड़े ग्लास में दे रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, मिल्क शेक जैसा लग रहा है, पी के देख लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट किया, बहुत टेस्टी लगा, और आराम से एक ग्लास पी लिया, और मस्त डांस कर रहे हैं। पर टेस्ट आने के बाद फिर कहा चलो एक और ग्लास पी लेते हैं, जब 2 और 3 ग्लास हो गए और डांस पूरा चालू हो गया, उसके बाद तो बस, पहले तो चक्कर, और इसके बाद जो खाने को मिल रहा है हम लोग सिर्फ खा रहे हैं और हंस रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें कुछ नहीं पता हम लोग क्या करें, 2-3 दिन तक हैंग ओवर ही हो रखा था, तो इट्स जस्ट अ हैंग ओवर। क्या कहना चाहती थी मैं? नहीं, इनफैक्ट भांग तो हाँ मेरा सेम ही एक्सपीरियंस था, जब मैंने बॉम्बे में पी थी, तो मैंने जोश वोश में 1, 2, 3 मैंने कहा आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, सब नकली तुम्हारी भांग है। उसके बाद जो अचानक से हिट करी मुझे वो भांग, तो अगले 2 दिन तक मुझे होश ही नहीं था, और मैं बहुत हाँ ये सबके साथ ही होता है, जिस जिसने पिए ना उसको हिट ही करती है, और उसको पता भी होगा कि भांग का क्या मजा आएगा। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 दिसंबर को हमारी मूवी आ रही है, आप प्लीज़ देखना जाए और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। हाँ जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है अनमोल खत्री, पिक्चर में मेरा कैरेक्टर है सागर, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी फट्टू है, और जैसे ही उसने कुछ भांग वांग पी ली होती है तो रियल लाइफ में काफ़ी फट्टू है। यस हाँ, रियल लाइफ में काफ़ी फट्टू, और जब वो भांग पी लेता है तो वो
लाइक शेर बन जाता है, सबको छक्के छुड़ा देता है, यकीन ही नहीं होता है लोगों को कि ये ऐसा कर सकता है। तो अपने व्यूअर्स को कुछ आप कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे या फिर साथ सब दीजिए आप लेडर्स फर्स्ट 15 दिसंबर को लेडर्स फर्स्ट आप सब अपने थिएटर्स में जाइए, मूवी जरूर देखिए और हम लोग बिल्कुल होप करते हैं कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। हमने एंजॉय किया है, हम चाहते हैं कि आप भी उतना ही एंजॉय करें। हां और सबके साथ जाइए, फैमिली फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त सब लोग भी चलेगा, भाभी जी के साथ भी जा सकते हैं, पड़ोसी के पड़ोसी के। थैंक यू थैंक यू। सपना जी सबसे पहले तो अपने गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा कुछ बताएं, किस तरह का गाना होने वाला है लव बाइट और क्या आप हमें डांस करते हुए दिखाई देने वाली है या फिर क्या कुछ होने वाला है? ये अच्छा सवाल है, बहुत नया सवाल है ये। इतना नया सवाल आपने क्यों पूछा पहले तो ये बताओ। गाना कुछ नया इसलिए है क्योंकि टाइटल बहुत अलग है, लव बाइट जो आज तक नहीं आया है, तो पहले मुझे नहीं पता था क्या मतलब होता है, कुछ नया इसीलिए हो गया मेरे लिए क्योंकि बाद में पता चला कि मतलब क्या होता है। लेकिन गाना म्यूज़िक बहुत अलग है, लिरिक्स बहुत अलग है, कुछ हरियाणवी टच है लिरिक्स इसके जो आपको हिंदी आराम से समझ आएंगे, हिंदी टच हरियाणवी है तो आपको समझ आएंगे। गाने को आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, जो नाचते हैं जो नहीं नाचते हैं वो भी इस गाने को सुन के नाचने वाले हैं। जैसा कि टाइटल की बात की जाए, आपका क्या राय है मेरी टाइटल पे? देखो मैं भांग पीऊँगी आराम से 3-4 लूटे फिर बताऊंगी कि टाइटल पे क्या राय है। बाकी मेरे को पता है, कई लोगों ने मुझे बताया है कि भांग पीने के बाद एग्जैक्टली पता नहीं लगता इंसान कौन से जोन में चला जाता है, उसकी बहुत अलग दुनिया हो जाती है भांग पीने के बाद। वो हंसता है तो हंसता रहता है, रोता है तो रोता रहता है, बैठा रहेगा बैठा है तो, चलता है तो फिर चलता ही रहता है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। तो जो वो जोन हो जाता है और उस जोन में आप जो हरकतें करते हैं, आप जो काम करते हैं, आपको शायद याद भी नहीं रहते कि हमने क्या कर दिया। तो ये वही टाइटल जो है उसी के ऊपर पूरी फिल्म है कि ये जो भांग पी के हरकतें करते हैं इनको भी याद नहीं होती इन्होंने हरकतें क्या की है। मेरा कुछ नहीं, मैं ऐसी हूँ। रिएक्शन क्या होगा? अच्छा है, काम आ रहा है तो खुश हो, काम कैसा भी हो बस खुश हो के आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, सपना को आपने एज अ आइटम सॉन्ग के लिए या फिर कोई किरदार के लिए आपने नहीं सोचा कि कोई किरदार के लिए देता हूँ? इनको ना किरदार के लिए लेने गए थे और ये किरदार के लिए साइन भी कर लिया था, सब चीज़ कर ली थी और शूटिंग के लिए भी आने वाले थे। शूटिंग के एक हफ्ते पहले बोले सर मेरे को डेट्स नहीं है, प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, हाँ गाना कर लूँगी। तो फिर इनके हिस्से में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ही बचा, नहीं तो एक मूवी। मैंने इनको जितना परेशान किया है ना इस पिक्चर के चक्कर में, अगली बार मेरे पास आने भी नहीं वाले। हाँ ना आने वाले हैं क्योंकि नया ऐसा नहीं है, एक बात बोलो आपने नहीं परेशान, बहुत लोगों ने भी किया है परेशान, बहुत आने भी नहीं वाले मेरे पास, परेशान तो उन लोगों ने भी किया है, कुछ नहीं करवाना मैंने आपसे। एनी वे अच्छे एक्ट्रेस हैं, इंसान बहुत प्यारे हैं। हाँ थोड़ी सी तो है इनका, मतलब प्रोफेशनल नहीं हुए कि कमिटमेंट दे दिया मैं टाइम पे आ जाऊँ, लेकिन अब आने लगे। देखिए मैं बताती हूँ कि क्या होता है, देखिए जब हम रास्ते में चलते हैं हम एक घंटा पहले भी निकल लें, लेकिन आदमी का हो ही ऐसा जाता है वो लेट ही पहुँचता है। हम कितना भी जल्दी निकले, देखिए ट्रैफिक है, मेरे तो रास्ते में मुर्गियाँ भी आ जाती हैं कि हम नहीं जाने देंगे, तो हो जाता है ये लेट वेट का चक्कर नहीं होता, कई बार न्यूज़ वाले भी लेट आते हैं। लेकिन अगर मुर्गी बीच में आ जाते तो आपके पास में अच्छे खासे बॉडी गार्ड हैं, शायद वो पका के खाते भी होंगे, कहा लिया करो, चाहिए तो तंदूर गाड़ी में रखवा देंगे। वो पूरे नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन। अच्छा वेजिटेरियन मत बोलो ऐसे, फिर आपको बाहर भी नहीं जाने देंगे। अच्छा भाई साहब, अच्छा वेजिटेरियन है? हाँ वेजिटेरियन है, सारे वेजिटेरियन है। चलो फिर तो हमने हरियाणा उधर नोट किए होंगे, हाँ। जो घी दूध खा के बॉडी बना लेते, नहीं तो बाकी सब तो चिकन मटन खा के शुरू होते। सर भांगोवर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और क्या कुछ होने वाला है? देखो किस तरह से होने वाली है भाई, होने वाली क्या, भांग पी ली ओवर हो गए, तो मेन यही है कि मूवी के अंदर कि अब जैसे टाइटल बता रहे हैं कि भांग ओवर, ये 5 बच्चे हैं जो मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, शायद आप थोड़ी दूर में अलग बिठा रखा आप लोगों ने। एनीवे आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि नॉन फेस के पीछे दुनिया भागती है,
और जो फेस है जो आने वाले दिनों के अंदर यही फेस के पीछे फिर आप लोग भागोगे, क्योंकि पहली बार सब होता है जो ऑडियंस चलता है। लेकिन एक मेरा ये कहना है कि जो बंदे पहली बार मूवी के लिए आए आप उनका हौसला बढ़ाएं, उनको आप थोड़ा सा प्रेजेंट करें, क्योंकि वही आगे भी निकलेंगे होगा। तो मेरा ये कहना है कि सारे लोग जहाँ जहाँ से शुरुआत करी थी सब लोग अपने अपने फील्ड में डोमिनेट हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों को जो भी है, बच्चे हैं नए हैं, मैं भी नया हूँ, तो भाई साहब सबको एक हेल्प करो भाई, उनको थोड़ा सपोर्ट करोगे, हाईलाइट करोगे तो ये भी निकलेंगे, नहीं है तो किसी को दबाने से तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कहानी भी ऐसी हुई कि उन पांच बच्चों की है जो भांग पी लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है। एक्चुअल में सिर्फ कहानी है कि दो तरह की कहानी में चलती है, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट उनका वो है जहाँ भांग पी के होली के दिन ओवर हो गई थी, और प्रेजेंट के अंदर जो उस भांग के दौरान जो घटना घटित हुई है उनका रिजल्ट उनके सामने मिल रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट इनके सामने पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव है, तो उसी का ये मिला जुला रूप में इनकी जो बोलते हैं थोड़ा अपना बम्बई लगने की वाट मिली, तो उसी के अंदर दर बदर जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है खुलता है। स्पेशली जो भांग पीते हैं वो इस मूवी को देखने के बाद खुलेआम बोल सकते हैं कि भांग पीने के बाद अच्छे काम भी करते हैं। नहीं ये तो नहीं बोलेंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं, हाँ ये सकते। है भांग पीने के बाद में लोग मजे तो बहुत लेते हैं, और शायद मुझे भांग पीने के बाद में किसी ने भांग पिया हो अगर नाच भी रहा है तो शायद कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा उसको गाली देगी, अरे कोई बात नहीं भांग पिए ना हो जाएगा ठीक, अदरवाइज दारू वगैरह बेवड़ा सारा ये है। तो ये शब्द तो एटलीस्ट नहीं सुना जाता, और भगवान तो ये जो अपनी भांग है ये तो भगवान शिव जी की बहुत बड़ी प्रसाद मानी जाती है, और जो शिवरात्रि भी लोग पीते हैं, और उज्जैन के अंदर तो इसके सरकारी ठेके हैं, तो भांग तो सब लोग एंजॉय करते हैं, और भांग में हमेशा मस्ती होती है यार दोस्तों से लेकर, तो भाई एक लेकिन ये मेरे ख्याल से दारू से अच्छी होती है, नहीं पीनी चाहिए दारू, नहीं पीनी चाहिए भांग पीनी चाहिए भाई भांग पीनी चाहिए। जैसा कि सपना जी ये मान ले कि बिग बॉस ने आपको एक नई पहचान दी है, तुम लोग बिग बॉस के पीछे क्यों लगे हो? बिग बॉस के पीछे नहीं लगे, हम आपके पीछे लगे, हम आपसे बात कर रहे हैं। बताओ क्या पूछ रहे थे? मेरा जानना ये है कि बिग बॉस ने, आप क्या मानते हैं बिग बॉस ने आपको नई पहचान दी? नई पहचान देखिए, मेहनत मैंने बहुत शुरू से करनी शुरू कर दी थी, जो शायद अब मुझे उस मेहनत का नतीजा मिलना शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा नतीजा मिल गया, अभी शुरू हुआ है। वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस जगह की मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, उस जगह से उठकर यहाँ आना, इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचना, रियलिटी शो करना, मेरे लिए वो ट्रॉफी से कम नहीं है, मेरे लिए वो जीत से कम नहीं है। मैं उसको जीत ही मानती हूँ। जीतना हारना ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, हमें हारना पड़ता है किसी को जिताने के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो चीज़ दी है, वो एक टैग दिया है कि मैंने बिग बॉस किया है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ये नहीं मैं वहाँ किसी के लिए सेक्रीफाइस करके आई हूँ, और जबकि मुझे लग रहा है अब लव बिल्कुल पागल है, अब मुझे सच में महसूस हो रहा है लव पागल है, वो अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं खेल रहा है जो उसे करना चाहिए। मैंने लव को अंदर छोड़ा, मैं उसके लिए बाहर आई हूँ, तो मुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए। ये मेरा फैसला है, किसी और का फैसला नहीं है। तो मेरे को इससे ये नहीं है कि मैं बहुत उदास हूँ कि मैंने ये क्या किया कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। और या बाहर नहीं आती तो क्या आप मिलते मेरे से, बात करते मेरे से? नहीं ना, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो बिग बॉस के चक्कर में? अच्छा आखिर में जो है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड हमारे बीच में नहीं रहे, शशि कुमार, शशि कपूर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, जानना चाहूँगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, हम कुछ नहीं है उनके आगे। वो उस वक्त से काम कर रहे हैं जिस वक्त शायद हम थे भी नहीं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिनसे हमें सीखने को मिलता है, शशि कपूर जी, अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र सर, इनसे ये लेजेंड होते हैं जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखा के जाते हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी काम आती है। अगर हम उनके उन तरीक़ों पर चलते रहें तो शायद हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ वो नहीं है, बुरा लग रहा है, लेकिन आएंगे, वो दोबारा आएंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मर कर भी जिंदा होते हैं। बस अभी तो यही कहना चाह रहे हैं कि उनके भगवान आत्मा को शांति दे, और जल्दी से वो नए अवतार में आके फिर से एक अपना स्थान करें, क्योंकि उनकी वैसी उम्र हो चुकी थी, काफ़ी तकलीफ में थी, जब अवार्ड भी लेने जाते थे तो बहुत वो थे,
और एक उम्र के बाद में हर इंसान भी सोचने लगता था यार भगवान इनको थोड़ा सा भी, हाँ दुख ज़रूर होता है कुछ पल के लिए, लेकिन ये तो एक ज़िंदगी का एक सच है जो जिस दिन इंसान पैदा होता है वो उसी दिन मर लेता है, ये तो डिसाइड है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, वो बस टाइम का डिपेंड करता है, और उन्होंने जो भी हुआ एक सही टाइम पे हुआ, वो जल्दी शायद नए अवतार में हम लोगों के बीच में फिर से कोई एक स्टार बन के दिखा।